ये देखे जी, बन गया ना खोया। मुझे तो खुशबू ऐसे खूबसूरत आ रही है और गरे और किशमिश जो है अभी धोई जा रही है, तो अभी और डाल रही है बेगम। हाँ जी, अगर ज़्यादा होती तो इसका बर्तन जो है वो बड़ा होता। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भैया, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और मेरे घर में सब ठीक ठाक हैं। तो अभी जो है एक डिश जो है बन चुकी है और दूसरी डिश बनाने की तैयारी हो रही है। आप देख रहे हैं अभी क्या काट रही हूँ, ये अभी काट के ना तो फिर और चीज़ भी है, ये देखें उसे भी अभी साफ़ करनी है। और क्या बना रहे हैं, कैसे बनाएंगे, इंशाल्लाह वो दिखाएंगे। अभी जी काटे जा रही है गरी और इसके साथ साथ जो है ये किशमिश, और आप समझ गए होंगे कि ये किन चीज़ों में डाली जाती है। हाँ। तो अभी इसको जी काटे बारीक बारीक। सबसे पहले गरे को बारीक बारीक काट लेना है और इसको जो है ना दूसरी किशमिश को भी धो देना है। हाँ। गरे और किशमिश जो है अभी धोई जा रही है, इसको पहले वाश कर लेना है, इसका गंद खराबा कचरा जो है ना इसको बाहर साफ करके जो है ना ये फिर डालनी होती है। अभी ये धो रही है मैडम, फिर जो है ना बनाएंगे अनोखी डिश जी। ये जो कढ़ाई हमारी चढ़ गई है, अब इसके पहले पहले जो है ना इसमें डालना है 2 गिलास पानी के जी। पानी और चीनी बस जी। अच्छा, ये अनोखी डिश बन रही है और पहले 2 गिलास पानी के, फिर इसमें डाल देनी है चीनी जो औसत के मुताबिक डालना। ये जो चीनी हमारी ऐड हो रही है, आपने ये भी वाच करना है कि ये हम कौन सी डिश बना रहे हैं जी। ये नई डिश है आज, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी ये भी। और अभी बताना नहीं है कि कैसे बनाएंगे। हाँ, और ये भी नहीं बताना कि बना क्या रहे हैं। हाँ, ये भी नहीं बताना, बस आपने देखते रहना कि ये बन क्या रहा है जी। अभी जी इसमें 2 गिलास पानी और जो चीज़ है हमारी वो है आधा किलो, आधा किलो के हिसाब से 2 गिलास पानी और उसके मुताबिक चीनी जो कि हमने डाल दी है। और ये मेवे भी इधर। हाँ चलो जी, ये जो है ना मेवे भी हमारे डल गए हैं और बहुत ही सुपर अमेजिंग डिश बना रहे हैं, न्यू अनोखी डिश जी, टेस्टी वाले। अब ये मैडम जो है ना बांटने लग गई हैं सबको घरे। नहीं सियाना देख रहे। अच्छा चलो जी, इसमें अब 3 चीज़ें ऐड हो गई हैं जी, बल्कि 4, पानी, चीनी और घरे और किशमिश। ये 4 चीज़ें आपने ऐसे मिक्स कर देनी है। सबसे पहले इसको घुमा फिरा कर चम्मच लगाना है। अब इसका पानी जो है उबलेगा। ये हम पहले पहले जो है बना रहे हैं शीरी, इसमें घी जो है नहीं डालना। ये एक ऐसी डिश है जिसमें घी नहीं डलता। हाँ जी, पानी और चीनी, इसके शीरी बनानी है खाली। चीनी हमारे जो है कम थी थोड़ी, तो अभी और डाल रही हैं बेगम। हाँ जी जी, कम पड़ गई। हाँ। अब देखिए इसका कलर कैसा होता जा रहा है, बिल्कुल वो जैसे नहीं होते रहो। हाँ। गन्ने की रहो, ये रहो बन रही है और अभी इसकी शीरी बनने को देर है। बस इसको बनाते रहना है, इसको उबालते रहना है और उधर जो है हमारे बता देते हैं, चलो मजबूरी है, मजबूरी है अभी बता देते हैं। और ये है हमारी सूजी जो कि इसकी छनाई हो रही है अभी जी। इसको डालेंगे परूण में, पोड़े में। ये पोड़ा होता है, छाना होता है, जो चीज़ भी इंसान बोल ले। हम तो यही बोलते हैं परूण। तो ये छानी इसको बोलते हैं शायद। चलो छानी है, जो भी है इसमें जो है इसमें डाल दिया सूजी और इसको अभी छनाई करेंगे। छनाई करेंगे, बिस्मिल्लाह करें। सूजी हमारी छनाई हो रही है, वैसे है अनोखी डिश। हाँ। और है सूजी वाली डिश।
जी। ये आप देखेंगे कि कौन सी डिश बना रहे हैं, पहली बार जिंदगी में ये बना रहे हैं। समझ भी नहीं आएगी कि कैसे बनती है। आज बहन भाई देखेंगे। हाँ जी, चलो जो इसकी छनाई करें और इसके जो है पोजीशन, ये अभी देखे कैसे बने। इधर चम्मच भी हिलाते रहे, साथ साथ छनाई भी करते रहे और इसके चम्मच भी हिलाते रहे। अब देखें ये जो है गाढ़ी होती जा रही है शीरी जी। अभी भी इसको उबलने देना है, कुछ भी नहीं करना, उबालते रहें, ठीक है? ओके। अब देखें जी हमारी शीरी जो है काफ़ी पोजीशन में आ गई है, मतलब कि बन गई है शीरी। अब इसको चम्मच लगाएं, पहले चम्मच लगाएं और देखें ये इसकी पोजीशन क्या है। हाँ जी, अब देखें पानी भी सूख गया है कुछ और मेवे जात भी कुछ नरम हो गए हैं। अब इसमें एक और चीज़ हम डालेंगे अनोखी जी, वो ये रही इसमें। हाँ जी, ये देखें हम क्या डाल रहे हैं। इसमें डालेंगे दूध तकरीबन 2 किलो तक हो जी। 2 किलो दूध हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब देखें घी जो है हमने बिल्कुल नहीं डाला, ये एक अजीब किस्म की डिश बन रही है जो कि किसी को समझ नहीं आएगी। और ये भी बता दो, दूध वाला हलवा जी, सूजी का हलवा, वो भी दूध वाला, घी के बगैर वाला। अब जो है इसकी छनाई भी मुकम्मल हो गई है, वो रखी है। इसको जो है उबाला देना है पहले। हाँ जी, इसको उबलने देना है और मीठा भी टेस्ट कर लेना है। ओके। नहीं आपको नहीं बता रहा, बहन भाइयों को बता रहा हूँ। अब इसकी आग जो है थोड़ी कम कर लेनी है, थोड़ा थोड़ा सा जो है इसको उबलने देना है, मीठा भी चेक कर लेना है, नमक भी थोड़ा सा डाल लेना है। ये भी एक किस्म की रिवायत है, नमक के बगैर चीज़ जो है ना वो टेस्टी नहीं बनती। थोड़ा सा हमने नमक भी डाला है और अब इसका ढक्कन जो है बंद करेंगे हम और इसको जो है उबाले देंगे जैसे पहले पहले वाले डिश के उबाले आए थे। हाँ जी, चलो जी। अच्छा, तो ये देखें हमारा दूध जो है उबलना स्टार्ट हो गया है, पानी की तरह उबल रहा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सूजी। सूजी जो थी हमारी आधा किलो, और ये हमने आधा किलो सामान भी, आधा किलो सूजी की मकदार से इसमें सामान डाला है, चीज़ें डाली हैं। अगर ज़्यादा होती तो इसका बर्तन जो है वो बड़ा होता, मेवे जात जो है वो ज़्यादा होते और इससे मज़ीद जो है ना कई मेवे होते जी। तो अभी हमने इसमें मेवे कम डाले आधा किलो के हिसाब से और दूध भी उसकी मकदार से डाला है 2 किलो तक। हाँ जी, ये आधा किलो की पोजीशन है और आधा किलो इसमें पूरी आधा किलो सूजी जो है ना हमने ऐड कर दी है। घी जो है बिल्कुल नहीं डालना, अभी हमारी सूजी इसमें डल गई है। अब जो है ये गाढ़ी होगी, इसका जो है हम मीठा टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे, अगर चीनी कम पड़ गई तो और भी डाल सकते हैं बहन भाई। और आपने भी टेस्ट कर लेना है जी। आपने भी चेक करना है मीठा पूरा पूरा हो, बराबर हो इंशाल्लाह। और मैं ये बताता चलूँ कि न्यू अनोखी डिश और मटर पुलाव हम किस लिए बना रहे हैं। आज है बहुत ही बड़ा खुशी का दिन, जो कि कौशल की अम्मी जो है उनसे मिलने आ रही हैं। तो वो भी माशाल्लाह से पहुंचने वाले हैं, उनके लिए जो है ये निज़ाम हो रहे हैं। और ये देखें देखते देखते गाड़ी भी हो गई। वाह वाह, इतने जल्दी सूख भी गई। हाँ जी, और छीटे उड़ा रही है, इसको चम्मच हिलाते रहे ये ना हो मेरा पैर जल जाए। नहीं जलेगा। वो देखे छीटे आ रहे हैं, ना पुत्र आप उठ जाओ, इधर उठ जाओ, छीटे आ रहे हैं। बस बंद कर दिया जी, ये इसको ज्यादा गाढ़ा नहीं करना होता। अभी से उतार रही हूँ नीचे। हाँ उतार ले, मीठा टेस्ट किया था, सब कुछ इतने जल्दी में हो रहा है। चलो अब इसका ढकना उतारे, कैसी लुक नजर आती है। ये है जी हमारा दूध वाला हलवा और आपने देख लिया ये कैसे बनता है। और चीनी जो है ना मैडम साहब अभी कुछ डाल रही है, फीका पड़ गया था जी। और ये देखें जी चीनी को डाल देना है, गरम गरम हो
हालांकि वहाँ आग पे खड़ी हो तो डाल लेना, हमने जो है ना अभी भी गर्म है, देखें आप नजर आ रही है जो अभी भी मिक्स हो रही है। आप इसको ढकना बंद करके रख देंगे, फिर जब खोलेंगे ना इसको फिर देखना खोया बनता है या नहीं बनता। ओके जी, ओके। इसको मिक्स करके फिर ढक्कन बंद करके दम जैसे होता है। हाँ अभी इसको भी दम लगाना है। ओके चलें जी, हम इसका जो है अभी दम करेंगे ओपन। हाँ जी, एक का जो है कर लिया है, अभी दूसरा का करते हैं कि वो कैसे बन गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह शाफी अल्लाह कामी। माशाल्लाह, अब देखें ये देखे जी बन गया है ना खोया। मुझे तो खुशबू ऐसे खूबसूरत आ रही है और बहन भैया को खुशबू तो नजर नहीं है, सुनाई नहीं देगी। और ये हलवा तो टेस्ट लग रहा है, खुशबू सूंघी जाती है। ऐसा हलवा बनाया ना आप, यहाँ पर चेता भी नहीं है कहाँ चला गया है। चलो सही है जी, बेहतरीन है माशाल्लाह। और जिस बहन भाई ने बनाना है वो आपको तरीका वीडियो पूरे में मिल गया है। हाँ वीडियो जो है पूरी वाच करिए, वीडियो कर ली है। हाँ वीडियो जो कर ली है। और जिस बहन भाई को खाना है, हलवा खाना है और पुलाव खाना है, वो आके मेरे साथ खा लें और घर में भी ये हलवा बना सकते हैं बगैर घी के। और तरीका तो वीडियो में है, पूरे वीडियो में तरीका है, दोबारा बना रहे। और जैसा भी बनाए उनकी मर्जी है, घी डाले या ना डाले उनकी मर्जी है। हाँ हम तो नहीं डाले। ओके जी माशाल्लाह। ओके।